द टर्निंग पॉइंट केम एट द एज ऑफ एट जब वो आठ साल की थी तब उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया वेन शी बैक द गोल्ड मेडल जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता ऑन द बैलेंसिंग बीम इन द नॉर्थ ईस्टर्न गेम्स कॉम्पिटिशन इन 2002 थाउजेंड टू टू थाउजेंड टू में नॉर्थ ईस्टर्न गेम कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें कि उन्होंने बैलेंसिंग बीम के अंदर एक गोल्ड मेडल हासिल किया एंड शी बिकेम अडिक्टिंग टू विनिंग और तब से वो अडिक्टेड हो गई तब से उनको इस चीज़ का जुनून आ गया जरूर आ गया कि उन्होंने जीतना ही जीना है हर चीज़ में आफ्टर अर सक्सेस इन टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड टू में जब इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता द त्रिपुरा स्पोर्ट्स काउंसिलिंग रिकमेंडेड तो त्रिपुरा स्पोर्ट्स काउंसिलिंग उन्होंने रिकमेंड किया हाउ टू बिसेश्वर नंदी फॉर एस सी आई ट्रेनिंग हु वॉज़ फ़ाइव टाइम नेशनल चैम्पियन एंड आर लेजेंडरी त्रिपुरा बेस जिमनास्ट फॉर एस सी आई ट्रेनिंग तो उन्होंने उनको रिकमेंड किया कि आप बिसेश्वर नंदी जो हैं जो कि फॉर एस सी आई ट्रेनिंग हु वॉज़ फाइव टाइम्स नेशनल चैम्पियन जो कि नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं एंड लेजेंड्री और एक क्या है बहुत ही फेमस जिमनास्ट हैं जो बिशेश्वर नंदी थे उसके लिए रिकमेंड किया कि आप उनसे जाकर के ट्रेनिंग लीजिए दीपा टैलेंट ग्रूम्ड अंडर हेज टुटलेज तो दीपा को उनके अंडर मतलब कि जो नंदी जी थे इनके अंडर दीपा को ट्रेनिंग मिली शी स्टॉप्ड ऑल आर एग्जामिनेशन उन्होंने अपने सारे एग्जामिनेशन को स्टॉप कर दिया दीपा ने अपने सारे एग्जामिनेशन को स्टॉप कर दिया सोमा सोमानंदी वॉज हर सेकेंड कोच सोमा नंदी दीपा के सेकेंड कोच थे दीपा वॉज एबल टू डिवेल्प एन आर्क इन हर फुट दीपा एबल थी किस चीज के में टू डिवेल्प एन आर्क अपने फुट की शेप में एक आर्क मतलब कि लाइक सी शेप मतलब कि ऐसी आर्क शेप अपने फुट में एक आर्क शेप दे करने में वो एबल थी मतलब कैपेबल थी वो इस चीज़ के अंडर सोमानंदी ट्रेनिंग जब उन्होंने सोमानंदी से ट्रेनिंग ली इन 2008 2008 में शिवॉन द जूनियर नेशनल नेशनल इन जलपाईगिरी गुरी तो उन्होंने 2008 में फिर से एक अवार्ड जीता 2007 में ऑनवर्ड्स टू थाउजेंड के बाद में शी ओन 77 मेडल्स टोटल उन्होंने टोटल 77 मेडल्स जीत लिए आउट ऑफ विच जिसमें से 67 सेवन वर्ग गोल्ड इन स्टेट नेशनल जिसमें से कि 67 सेवन जो थे वो स्टेट नेशनल लेवल पे थे एंड इंटरनेशनल चैंपियनशिप और कुछ उसमें से इंटरनेशनल चैंपियनशिप के थे शी वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन जिमनास्टिक्स कॉन्टीजेंट ऑफ टू थाउजेंड टेन कॉमनवेल्थ गेम्स इन दैली वियर आशीष कुमार वॉन इंडियाज़ फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ गेम्स जिम्नास्टिक्स मेडल तो वो भी एक पार्ट बन गई किसका इंडियन जिमनास्टिक्स का जिसके अंदर की जो कि टू थाउजेंड टेन में कॉमनवेल्थ गेम्स में दहली में हुए थे जहाँ पे आशीष कुमार जो थे वॉन इंडियाज़ फर्स्ट जिन्हों आशीष कुमार जी जिन्होंने इंडिया का पहला कॉमनवेल्थ गेम्स जिम्नास्टिक मेडल जीता था एट द एज ऑफ ट्वेंटी थ्री और जब दीपा ट्वेंटी थ्री ईयर्स की हुई शी दीपा फर्स्ट गेन द वर्ल्ड फर्स्ट अटेंशन दीपा ने लोगों का दिल कब जीता उसने दुनिया की अटेंशन कब ली वैन शी अचीव्ड ब्रॉन्जे मेडल इन 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स इन ग्लासगो जब ग्लासगो में उसने टू uh, थाउजेंड में फ़र्स्ट ब्रॉन्जे मेडल जीता आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर शी मेड द हिस्ट्री ऑफ गेम्स बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फ़ीमेल जिमनास्ट टू डू सो और उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी खेलों के अंदर किस तरीके से बाई बिकमिंग द फ़र्स्ट इंडियन फ़ीमेल जिमनास्ट टू डू सो मतलब कि ये फर्स्ट इंडियन फ़ीमेल जिमनास्ट थी जिसने ये काम किया शी इज़ बीग सपोर्टेड बाय द गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन अंडर द राहुल द्राविड एथलीट मैंटोरशिप प्रोग्राम और इसको सपोर्ट दीपा करमाकर को सपोर्ट किसने किया था गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो कि राहुल द्राविड के अंडर आती है ओके शी वॉज वन ऑफ द फाइव वोमेन दैट हैव सक्सेसफुली लैंडेड द वेरी डिफिकल्ट प्रडनोवा वॉल्ट इन कंपटीशन मतलब कि ये उन फ़ाइव वुमेन्स में आती हैं दीपा करमारकर जिन्होंने कि बहुत ही सक्सेसफुली लैंड लैंडिंग की इन द वेरी डिफ़िकल्ट मतलब कि ये जिमनास्टिक में एक लेवल होता है उस कॉम्पिटिशन का जिसमें कि उन्होंने एक आर्क शेप में आ, ये जो है जिम्नास्टिक की जाती है उसके अंदर ये उन फर्स्ट फाइव वुमेंस में थी ऑल्सो होल्डिंग द हाइस्ट स्कोर अमंगस्ट ऑल इन हर अटैम्प्ट मतलब इन्होंने अपनी तरफ से हाईएस्ट स्कोर गेन किया कैसे अपने जो भी उन्होंने किए थे उसमें शी हेल्स फ्रॉम त्रिपुरा विद इट्स रिच ट्रेडिशन इन द स्पोर्ट्स एंड रेडिमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर देन प्रोडोनोवा इज वन ऑफ द टफेस्ट वर्ल्ड बींग कॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड प्रोडिनोवा एक तरह का जिमनास्ट है जो कि सबसे टफ मतलब कि वॉल्ट है जो कि वर्ल्ड के अंदर कॉम्पीट कर पाना बहुत मुश्किल है पूरे वर्ल्ड में इसकी कंपटीशन होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेटिंग सफिशेंट हाई टू कंप्लीट रोटेशन एंड द डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द ग्राउंड आफ्टर ट्विस्टिंग इन ऑर्डर टू कंट्रोल द लैंडिंग मतलब कि ये किस तरीके की पोजीशन होती है जिमनास्ट में एक कम्बिनेशन एक ऐसा कम्बिनेशन जनरेटिंग सफिशिएंट मतलब कि इनफ हाइट टू कम्पीट रोटेशन रोटेशन के अंदर इसको किया जाता है एंड द डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग और क्या ग्राउंड को उस चीज़ में ढूंढना एंड ट्विस्टिंग इन ऑर्डर और खुद को पूरी तरह से ट्विस्ट कर देना टू कंट्रोल द लैंडिंग किस तरीके से लैंड को कंट्रोल करते हुए शी ऑल्सो वॉन अ ब्रॉजे मेडल वहाँ पर भी उन्होंने एक ब्रॉन्जे मेडल जीता था एट द एशियन जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप इन हिरोशिमा एंड फिनिश्ड वहाँ पे भी उन्होंने ये हिरोशिमा के अंदर ब्रॉन्ज़े मेडल जीता था फिफ्थ इन 2015 2015 में वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिमनास्टिक चैम्पियनशिप बोथ फर्स्ट फॉर हर कंट्री ये वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिमनास्टिक चैम्पियनशिप बोथ फर्स्ट फॉर हर कंट्री ये उन्होंने पहली बार अपनी कंट्री के लिए जीता था